आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। हम वोट बैंक बनाने नहीं, नए भारत को बनाने आए हैं। शिमला रैली में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हिमाचल प्रदेश सैनिकों की धरती। कोयला आधारित 81 बिजली संयंत्रों से उत्पादन घटाने को लेकर बिजली मंत्रालय ने भेजा पत्र, अक्षय ऊर्जा को कई लाभ बताए गए। भारत पर भी मंडराने लगा मंकी पॉक्स का खतरा, नजरअंदाज करना घातक, मंकी पॉक्स चेचक की तुलना में कम संक्रामक। कश्मीर में फिर आतंकियों की कायराना हरकत, कश्मीरी पंडित महिला की हत्या, आतंकियों ने स्कूल के अंदर घुसकर मारी गोली। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर गायक दलेर मेहंदी बोले, अकड़ वाले गाने कंट्रोल करे पंजाब सरकार, नहीं होगी ऐसी वारदातें। अधिकारी समीर वानखेड़े का मुंबई से डीजीटीएस चेन्नई हुआ ट्रांसफर, आर्यन खान ड्रग्स केस की कर चुके हैं जांच। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने किया गिरफ्तार, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बोले केस फर्जी है, कुमार विश्वास ने कहा मैंने जवाब मांगा था। धूम्रपान की उम्र बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कई स्थानों पर सिगरेट की बिक्री प्रतिबंधित करने की मांग। हवा में बिल्कुल करीब आ गए थे इंडिगो के दो विमान, हवाई यातायात नियंत्रक निलंबित, अप्रोच रडार कंट्रोलर ने डाइवर्जिंग होल्डिंग के दिए संकेत। 114 साल पुराने पंबन ब्रिज की जगह लेगा नया हाईटेक रेलवे पुल, पंबन ब्रिज देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। दिल्ली में आंधी और बारिश ने मचाई जमकर तबाही, बिहार में येलो अलर्ट जारी, मॉनसून से पहले राजस्थान से लेकर बांग्लादेश तक बनी ट्रफ लाइन, कमाल दिखा। पीएम मोदी की अपील का दिखा असर, चार धाम आने वाले यात्री दे रहे स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा। आईईडी ले जा रहे ड्रोन को मार गिराने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की लोगों से अपील, गाड़ी चलाने से पहले चेक करें। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में दो आतंकी ढेर, AK-47 राइफल भी बरामद, आतंकी शाहिद राथर कई हत्याओं में शामिल था। हासन जिले में उपद्रवियों ने मिनी तिरुपति मंदिर की मूर्तियों को तोड़ा, कर्नाटक में तनाव का माहौल। आगरा में 22 साल की उम्र में आगरा के सक्षम ने किया कमाल, यूपीएससी में हासिल की 27वीं रैंक। अलीगढ़ में भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन, पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी का आरोप। बदायूं में समाधि स्थल की जगह बनी मजार, ग्रामीणों ने जताया विरोध, मामले की जांच में जुटी पुलिस। फिरोजाबाद में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, सुजी थाना उत्तर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई।
गाजियाबाद की विधानसभा में गूंजी घोटाले की आवाज, लोनी नगर पालिका परिषद कार्यालय से गायब हुई फाइलें। मुरादाबाद में पति पत्नी के रिश्ते में खूनी खेल, प्रेम प्रसंग में पत्नी बनी पति की कातिल, पुलिस ने फरार चल रहे तीन इनामी बदमाशों को भी किया गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में राजस्थान से राज्यसभा जाएंगे प्रमोद तिवारी, उम्मीदवारों को लेकर जश्न में डूबा रामपुर खास। अलीगढ़ में महिला ने लगाया दुष्कर्म का आरोप, महिला की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। अलीगढ़ में पुलिस ने हत्या का किया खुलासा, इंश्योरेंस कर्मी और ज्वेलर्स हत्या के आरोपी निकले, आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगरा में मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी, पर्यटकों पर स्वास्थ्य विभाग की पैनी नजर, लोगों को 21 दिनों के लिए आइसोलेट करने की गई व्यवस्था। औरैया में बुजुर्ग महिला के साथ हुई धोखाधड़ी, कार चालक आभूषण लेकर फरार, महिला रिश्तेदारी से वापस आ रही थी। फरुखाबाद में कानून व्यवस्था पर उठे सवाल, दिन दहाड़े फायरिंग से मचा हड़कंप, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। गाजियाबाद में युवक ने किया प्रेमिका पर हमला, प्रेमिका गंभीर रूप से घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में कोरोना के बीच नई बीमारी का प्रकोप, मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी, चिकित्सा अधीक्षक ने कहा मंकी पॉक्स जानवरों के जरिए इंसानों में पहुंचता है। यूपी के बरेली में बड़ा हादसा, लखनऊ दिल्ली हाईवे पर मिनी ट्रक एम्बुलेंस की टक्कर में 7 लोगों की दर्दनाक मौत। गरीब कल्याण सम्मेलन में बोले सीएम योगी, बेटियां अब स्कूल जा रही, हर वर्ग का विकास हो रहा। लखनऊ के गोमती नगर में 10,000 से ज्यादा घरों में पीएनजी सप्लाई ठप, कंपनी के अधिकारी और इंजीनियर गड़बड़ी दूर करने में लगे हुए हैं। गांवों को मजबूत करने के लिए योगी सरकार की अच्छी पहल, पंचायत सहायक के 2783 पदों पर होगी भर्ती। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बोले, पैर पकड़कर कैबिनेट मंत्री हो गए थे, लेन देन में फंसे सपा के राज्य मंत्री, गुंडे माफिया चलाते थे थाना। गोरखपुर में खुलेंगे मेदांता, मैक्स और अपोलो जैसे बड़े अस्पताल, जीडीए ने शुरू की भूखंड देने की तैयारी। लाखों की नौकरी छोड़कर लंदन से लौटे कानपुर के घाटमपुर के रहने वाले प्रांजल, अब यूपीएससी में लहराया परचम। सिगरेट के पट से पैदा हुआ बड़ा खतरा, देश विदेश के शोध में सामने आई चौंकाने वाले तथ्य, माइक्रोप्लास्टिक मिट्टी पानी में घुलकर नुकसानदेह साबित हो रहा। प्रदेश के युवाओं के लिए योगी सरकार की बड़ी पहल, 35 जिलों में शुरू किया उद्यम संपर्क डेस्क। गोरखपुर में 100 करोड़ रुपए की जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा, एयरपोर्ट के सामने है नगर निगम, 26,000 वर्ग मीटर जमीन। बागपत में एसपी का बड़ा कड़ा रुख, ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर एक दरोगा समेत 7 पुलिसकर्मी निलंबित।
अधिकारी को निर्देश, निराश्रित पशुओं के लिए जल्द करें भूसे का इंतजाम। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर कसा तंज, बोले उनके लिए समाजवाद का मतलब परिवारवाद, हमारे लिए सबका साथ सबका विकास। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी के पास 52 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, पत्नी और बेटियां भी करोड़पति। जमीन से लेकर आसमान तक रहेगी नजर, किले में तब्दील होगा सर्किट हाउस, 5 किलोमीटर तक नो फ्लाइंग जोन घोषित। मेरठ से अब उड़ान का इंतजार, रोजगार के रास्ते भी खुलेंगे, युवा लेंगे पायलट ट्रेनिंग। AI प्रदेश सरकार से हवाई पट्टी के विस्तार के लिए जमीन की मांग कर रही है। नियमताक पर रख उच्च हिमालयी क्षेत्र में पहुंच रहे हैं ट्रैक्टर, बीते 8 सालों में कई रूट पर फंस चुके हैं 12 से ज्यादा दल। मैदानों में उमस ने किया बेहाल, अगले 24 घंटे में पहाड़ों पर बारिश की संभावना, 4 धाम की ऊंची चोटियों में छाए रहे बादल। उत्तराखंड में जिला और क्षेत्र पंचायत प्रमुख के सीधे चुनाव के लिए हाई पावर कमेटी गठित, 6 सदस्य समिति महीने भर में देगी रिपोर्ट। वैज्ञानिक कार्तिक कंसल का UPSC में चयन, हासिल की 271वीं रैंक, साल 2020 में भी हुआ था चयन। केदारनाथ धाम में समय से पहले खिला भगवान शिव का सबसे प्रिय ब्रह्म कमल, यात्री सोन प्रयाग से केदारनाथ रवाना हुए। हस्तियों को मिला उत्तराखंड अचीव्स अवार्ड 2022, निशंक ने कहा सम्मानित होने वाली हस्तियां ऊर्जा का स्रोत। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को मिला पीएम केयर का सहारा, 44 बच्चों के खाते में जारी किए गए 20,000 रुपए। नियमताक पर रखकर उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पहुंच रहे ट्रैक्टर, बीते 8 सालों में कई रूट पर फंस चुके हैं 12 से ज्यादा दल। रामपुर से चोरी करने रुद्रपुर आ रहे थे 3 बदमाश गिरफ्तार, मुकदमा किया गया दर्ज। उत्तराखंड में भी पैर पसार रहा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग, रुद्रपुर में फायरिंग कर मांगी थी 1 करोड़ की रंगदारी। अब तक 8 लोग हिरासत में, हमलावरों की कार बरामद, मूसेवाला को लगी थी 25 गोलियां। चार धाम यात्रा 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन में फर्जीवाड़ा, हरिद्वार के ट्रैवल एजेंट और मुरैना की ट्रैवल एजेंसी के खिलाफ मुकदमा। नैनीताल की मॉल रोड में नवनिर्मित लेक ब्रिज चुंगी का संचालन हुआ शुरू। जिला पंचायत नैनीताल की परिसंपत्तियों से अवैध कब्जा हटाने की मांग, सदस्यों ने जिला पंचायत की जमीन की पैमाइश, अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई करने को कहा। एक IAS पर 500% से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने का आरोप, विजिलेंस के निशाने पर 64 अधिकारी और कर्मचारी। पाकिस्तान में बदतर हुए हालात, भीषण गर्मी के बीच पानी की किल्लत से जूझ रही देश की जनता।
ब्राजील में कोरोना वायरस ने फिर पसारे पैर, 24 घंटे में गई 63 लोगों की जान। हिंद प्रशांत क्षेत्र में 13 देश एक साथ मिलकर चीन को देंगे मात, अमेरिका की व्यू रचना तैयार। पाकिस्तान में ऑनर किलिंग, 10 घरों को लगाई गई आग, 4 साल की बच्ची की हुई मौत। रूस से 20 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदेगा पाकिस्तान, हो चुका है डील। शांत क्षेत्र में 13 देश एक साथ मिलकर चीन को देंगे मात, अमेरिका की व्यू रचना तैयार। नेपाल में हुए विमान हादसे में 4 भारतीयों समेत सभी 22 लोगों की मौत, आखिरी शव भी बरामद। लॉकडाउन खत्म होने के बाद शंघाई में फिर खुलेंगे मॉल और दुकानें, काम पर लौटेंगे कर्मचारी। आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका को भारत से है बड़ी उम्मीदें, ईंधन की आपूर्ति को लेकर कर रहा बातचीत। आयात पर लगेगा बैन, यूरोपीय संघ के नेताओं में बनी सहमति। तंबाकू का सेवन करने वाले हो जाएं सावधान, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा महंगा। आईआरसीटीसी ने की बंपर कमाई, 2 गुने से ज्यादा हुआ नेट प्रॉफिट, इंटरनेट टिकटिंग से 38% बढ़ाई आईआरसीटीसी का रेवेन्यू। यूरोपीय यूनियन के फैसले के बाद फिर कच्चे तेल के दामों में उबाल, $124 प्रति बैरल पहुंच कीमत। शेयर बाजार में तेजी पर लगा ब्रेक, निवेशकों की मुनाफा वसूली के चलते गिरावट के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। गेहूं निर्यात के लिए सरकार ने उठाया सख्त कदम, फर्जी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करने पर लगे गिरोह। देश में बिजली संकट बरकरार, 7 साल बाद पहली बार कोयला इंपोर्ट करेगी कोल इंडिया। आधार कार्ड पर सरकार का यू टर्न, पहले कहा फोटो कॉपी शेयर ना करें, अब कहा सामान्य विवेक का प्रयोग करें। दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला ने 2 शेयरों में हुई गिरावट से गवाए 540 करोड़ रुपए। सोने की कीमतों में तेज उछाल, 51,000 के पार पहुंचा भाव, डॉलर की कमजोरी और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में आई गिरावट का फायदा बुलियन को मिल रहा। जीडीपी विकास दर के लगातार तीसरी तिमाही में धीमी रहने का अनुमान, नकारात्मक साबित हो सकता है ब्याज दर का बढ़ना। आशीष नेहरा ने बदल दिया आईपीएल का इतिहास, बने ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय कोच। बीसीसीआई ने दी खिलाड़ियों को बड़ी राहत, बायो बबल के बिना खेली जाएगी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज।
दिनेश कार्तिक बने सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीरीज, इनाम में मिली कार। कुमार संगकारा ने कहा आर अश्विन को प्रदर्शन में सुधार करके ऑफ स्पिन गेंद अधिक डालनी होगी। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने की गुजरात टाइटंस की टीम से मुलाकात, कप्तान हार्दिक पांड्या को दिया खास तोहफा। आर अश्विन की खराब गेंदबाजी से सहवाग हुए नाराज, कहा जो फेंकना था वो फेंका नहीं, करते रहे अपनी मनमर्जी। हार्दिक पांड्या ने एमएस धोनी की तरह कूल कप्तानी की छाप छोड़, कहा मेरा परिवार मेरी ताकत। आईपीएल के आयोजन से खुश बीसीसीआई, पिच क्रिएटर ग्राउंड्समैन के लिए 1.25 करोड़ के इनाम की घोषणा। कुमार संगकारा ने कहा अगर अश्विन को प्रदर्शन में सुधार करने ऑफ स्पिन गेंद ज्यादा डाले। चैंपियन गुजरात पर हुई पैसों की बरसात, राजस्थान को हार के बाद भी मिले 12.5 करोड़ रुपए। कैनेस 2022 में पाकिस्तानी फिल्म जॉयलैंड ने मचाई धूम, मिले 2 अवार्ड। ब्रह्मास्त्र को प्रमोट करने विशाखापट्टनम पहुंचे रणबीर कपूर, अभिनेता की दरिया दिली ने जीता दिल। पर्दे पर एक बार फिर धमाल मचाएंगे दंगल डायरेक्टर की अब फिल्म बस करो आंटी का ऐलान। एक्टर राणा दग्गुबाती की फिल्म विराट पर्वम की तारीख में बदलाव, अब 17 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा ने 6,000 महिलाओं के साथ किया घूमर डांस, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। ट्रांसपेरेंट साड़ी में गजब की खूबसूरत दिखी एक्ट्रेस मानुषी छिल्लर, सम्राट पृथ्वीराज में संयोगिता के किरदार में आएंगी नजर। फिल्म की प्रमोशन करने काशी पहुंचे अक्षय कुमार, बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद देखी गंगा आरती। एक्टर कमल हासन की फिल्म विक्रम हिट लिस्ट ने रिलीज के पहले ही कमा लिए 200 करोड़। अनेक और टॉप गन मैवरिक पर भारी पड़ी कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की फिल्म भूल भुलैया 2 100 करोड़ के पार पहुंची। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर एक्टर सोनू सूद ने जताया दुख, लिखा इमोशनल नोट। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।